हेलो एवरीवन, जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो सिंपली आपको जेएनयू की वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एमए, एमएससी एंड एमसीए, इन तीनों का रिजल्ट आ चुका है। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे एंड लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको इस तरह से आपका स्कोर कार्ड दिखाई देगा, जिसमें आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दिखाई देगा, दैट मीन्स आप सिलेक्टेड हो। ओके, एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, इन्होंने एमएससी लाइफ साइंस का एग्जाम दिया था, तो इसके आगे सिलेक्टेड लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये सिलेक्टेड है। इनकी जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे 5th आई है, एंड जो मार्क्स है वो 78 मार्क्स है। तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्टेड नहीं होते हो तो नॉन सिलेक्टेड भी, नॉट सिलेक्टेड भी लिखा आता है। जैसे एनवायरमेंटल साइंस है, यहाँ पे नॉट नॉट सिलेक्टेड लिखा है। तो ऐसे करके आप अपना जो भी स्कोर कार्ड है देख सकते हो, जहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, एंड सारी चीजें यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड के अंदर आपका मेंशन कर रखा है। जैसे ये सेकंड स्कोर कार्ड है पलवी का, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हॉस्टल के बारे में पूछा गया है, आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे यस और नो में आपको क्लिक करना है। एंड इनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 9th आई है, एंड इनके जो मार्क्स है वो 77 मार्क्स है। यहाँ पे सामने लिखा है सिलेक्टेड, दैट मीन्स इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो जो भी लाइक आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं सिलेक्शन हुआ है, सारी चीजें आपको जो भी रिजल्ट है उसके अंदर आपको दिख जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आरती, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 5th आई है, पल्लवी जिनकी ऑल इंडिया रैंक 9th आई है, समीक्षा जिनकी ऑल इंडिया रैंक 10th आई है। सो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आपको भी जिनकी भी सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।